अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सेलिटेर रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 43, एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस, प्रॉब्लम 30। वो कहता है वेरीफाई करो कि 1 kg ड्यूट्रियम की जो फ्यूजन होगी H2H2 और हीलियम का आइसोटोप बनेगा न्यूट्रॉन, इस दौरान 0.327 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट आएगी और 100 वाट के बल्ब को चला सकती है 2.5×10 की ताकत 4 साल के लिए। अब पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, सैंपल मॉलिक्यूल के कितने होंगे। तो हमें 1 kg का सैंपल मास दिया गया है, मोलर मास ड्यूट्रियम का 2 ग्राम होगा। अब चूंकि 2 ड्यूट्रियम इस्तेमाल हो रहे हैं तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 दफा आपने इसको डिस्कस करना है। तो टोटल तादाद आ जाएगी 1.5 × 10^26। अब इनकी टोटल एनर्जी देखनी हो तो आपको तादाद भी पता है, उनकी एक ने जो एनर्जी देनी वो भी पता है, इस सारे को देखकर सॉल्व कर लेंगे। तो ये 7.9 × 10^13 जूल आ जाएगा। टाइम फैक्टर देखना हो तो एनर्जी डिवाइडेड बाई पावर, टोटल एनर्जी भी पता है, पावर कंजम्पशन भी पता है, तो ये आपके पास 7.9 × 10^11 सेकंड, जिसे आप 2.5 × 10^4 ईयर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।